हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आपको जनवरी 2017 से लेकर अक्टूबर 2017 के करंट इवेंट जो स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें इनके बारे में डिस्कस करूंगा। और ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट के लिए जो ये एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड की वैकेंसी या फिर उसका फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, उसका जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है, और UPPCL के रिगार्डिंग और पंजाब मिल्क प्रोडक्शन और IBPS, ये सारे जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि आपको याद हो सके, क्योंकि ये 100% है कि इससे एक या दो नंबर क्वेश्चन बनना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे तो इसमें ये पूछा हुआ है कि जो सुल्तान अलजान शाह कप है 2017 में जो अभी मलेशिया में हुआ था, उसके विनर कौन सी कंट्री है। तो देखिए, पहली बात तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि जो सुल्तान अलजान शाह कप है वो किस खेल से रिलेटेड है, ये भी एग्ज़ाम से पूछता है। तो इसका आंसर जो है, सुल्तान अलजान शाह कप जो है वो हॉकी का कप है, हॉकी गेम से ये एसोसिएटेड है। तो ये 2017 में जो अभी रिसेंटली हुआ है, ये ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था और हराया, किसके साथ हराया था, ये ऑस्ट्रेलिया को हरा के इन्होंने ये कप जीता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। सो इसका आंसर जो है आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच कंट्री विल होस्ट 14th हॉकी वर्ल्ड कप। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो इंडिया है। इंडिया जो है 14th हॉकी वर्ल्ड कप जो है ऑर्गेनाइज कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो विच ऑफ फॉलोइंग प्लेयर नॉमिनेटेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर जो है वो सरदार सिंह और देवेंद्र झाझरिया है। सरदार सिंह जो है हॉकी के प्लेयर है और देवेंद्र झाझरिया जो है ये आपके कह सकते, ये जो है पैरालंपिक से जेवलिंग थ्रोअर हैं। तो ये दोनों जो है, इसका जो राइट आंसर है वो बी है। तो आप यहाँ से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये किस खेल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्री हैज़ वन आइस वर्ल्ड हॉकी रिसेंटली। तो आइस वर्ल्ड हॉकी जो है स्वीडन ने जीता है अभी हाल में ही, और स्वीडन जो है ये 10th टाइटल जीता है। और ये जो आइस हॉकी हुआ है, इसका गेम जो है फ्रांस पेरिस में हुआ है, और रशिया जो है इस गेम को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स इस गेम को जीत चुका है। तो जिसका जो राइट आंसर है वो स्वीडन है। विच कंट्री हैज़ वन 5th एडिशन कोल इंडिया हॉकी टाइटल। देखिए, जो कोल इंडिया हॉकी टाइटल का गेम होता है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज कराता है, कोल इंडिया इसे ऑर्गेनाइज कराता है। और इस साल जो 5th एडिशन हुआ है इसका, उसके जो विनर हैं वो कलिंगा लैंसर है। कलिंगा लैंसर जो है भुवनेश्वर यानी उड़ीसा के प्लेयर इसमें खेलते हैं, मतलब उड़ीसा की टीम है। जैसे IPL होता है उसी तरह कलिंगा लैंसर, पंजाब वॉरियर, मुंबई राइडर्स, ये सारी टीम है। तो इसका जो विनर है वो कलिंगा लैंसर है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट विनर 2016 में जो रणजी ट्रॉफी है, पहली बात आपको ये जानना है जो रणजी ट्रॉफी है वो किस गेम से एसोसिएटेड है। तो देखिए, जो रणजी ट्रॉफी है ये आपका क्रिकेट से एसोसिएटेड है, और एक और इम्पॉर्टेंट गेम होता है जिसे जो ट्रॉफी कहते हैं विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी जो है क्रिकेट से इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसका 2016 में विनर कौन था, तो रणजी ट्रॉफी का जो 2016 में विनर था वो गुजरात टीम जो है, गुजरात जो स्टेट है इसका विनर रह चुकी है। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात जो है इसका फर्स्ट टाइम विनर है रणजी ट्रॉफी का 2016 में, और मुंबई जो है हाईएस्ट टेकिंग अवार्ड ट्रॉफी है इस रणजी ट्रॉफी का। अब हम अच्छा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2017 का, वो उसके कौन से विनर है। तो देखिए, उसका 2017 का जो विनर विजय हजारे ट्रॉफी है, इसके जो विनर है वो तमिलनाडु टीम है, तमिलनाडु स्टेट है, और ये जो है बंगाल टीम को हरा के विनर बनी है। तो ये भी दो क्वेश्चन जो है क्रिकेट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्री हैज़ कम अप विथ वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। वर्ल्ड का क्रिकेट, वर्ल्ड में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे बनने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंडिया है। इंडिया में गुजरात में अहमदाबाद में ये है जो है वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट स्टेडियम बनने वाला है। तो ये करंट अफेयर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, विच बैट्समैन फास्टेस्ट स्कोर 1000 रन इन ODI एज ए कैप्टन। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, AV डिविलियर्स, अजंका रहाणे। तो देखिए, जो इसका आंसर है वो विराट कोहली है। विराट कोहली ने हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये रन पूरा किया 1000 रन। तो इन्होंने, ये ऐसे पहले कैप्टन हैं जो फास्टेस्ट 1000 रन बनाए हैं ODI में एज कैप्टन रह के। और एक और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
वो है कि ऐसा कौन सा बैट्समैन है इंडिया का जिसने 200 छक्के ओडीआई में लगाए हैं। तो इसका आंसर जो है महेंद्र सिंह धोनी है। और महेंद्र सिंह धोनी ने एक और अपने नाम किया है कीर्तिमान, वो है हाईएस्ट स्टैंपिंग विकेट टेकिंग का। पहले जो थे इसके जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो थे आपके श्रीलंका के प्लेयर थे, मुझे नाम नहीं या ध्यान आ रहा है, तो अब जो है महेंद्र सिंह धोनी हो गए हैं। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच कंट्री हैज़ वन वुमेन वर्ल्ड कप 2017। तो पहली बात आपको यहाँ पे ये जानने वाली बात है कि जो वुमेन वर्ल्ड कप है 2017 का, वो कहाँ पे हुआ था। तो देखिए ये जो है इंग्लैंड में हुआ था और इसकी जो विनर है वो इंग्लैंड की टीम ही थी और जो रनर अप टीम थी वो इंडिया थी और मिताली राज जो है इंडिया के कैप्टन है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हाईएस्ट विकेट टेकर वुमेन इन द वर्ल्ड कौन है। तो ये है झूलन गोस्वामी जो इंडिया की प्लेयर हैं। और इंडिया के प्लेयर में तीन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इंडिया क्रिकेट टीम से वुमेन्स में, वो हैं झूलन गोस्वामी, मिताली राज और एक है पंजाब की हरमनप्रीत कौर। ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये भी पूछ सकता है कि हरमनदीप कौर इज एसोसिएटेड विद विच गेम, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि वो क्रिकेट की वुमेन्स प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप इन 2018। तो देखिए जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 2018 में रशिया में होने वाला है। और अगर आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो देखिए फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख एक जगह है, वहाँ पे है फीफा का हेड क्वार्टर। और फीफा का 2018 का जो गेम है वो रशिया में होने वाला है। और इसका ये जो मस्कट आप सामने देख रहे हैं, ये मस्कट है 2018 का फीफा वर्ल्ड कप का। ये मस्कट जो है इसका नाम पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो इसका जो नाम है वो जेवरेका है, जेवी वेका तो इसका नाम है। और ये जो एनिमल जेवीवेका है वो जेब्रा नहीं, ये वॉल्फ है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% की कहीं किसी ना एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो जेवीवेका है वो वॉल्फ एनिमल है और ये एज ए मस्कट यूज़ किया है, मस्कट का जो नाम है जेवीवेका है। और 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो आपका रशिया में होने वाला है। अब बात करें अंडर 17 वर्ल्ड कप की, तो वो इंडिया में 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। तो ये भी अंडर 17 का फीफा वर्ल्ड कप भी पूछ सकते हैं कहाँ पे हो रहा है, तो वो इंडिया में हो रहा है। और वर्ल्ड कप के बारे में और जानते हैं, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसे जूल सिमेट कप भी कहते हैं। और जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का वो यूरोगे जीता था उसे। और मैंने आपको बता ही दिया कि अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फुटबॉल से कि 2016 का विनर कौन है यूरो कप का। यूरो कप जो है फुटबॉल से एसोसिएटेड है, तो 2016 का ये कौन सी टीम जो है फर्स्ट टाइम इसे जीती थी, तो इसका आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है फर्स्ट टीम है जो फर्स्ट टाइम जो विनर है 2016 में। और एक क्वेश्चन और बनता है कि अंडर 17 वर्ल्ड कप का जो मस्कट है वो क्या है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो है खेलियो है। जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं ये खेलियो जो है मस्कट है अंडर 17 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जोशीना चिनाम्पा एसोसिएटेड विथ विच गेम। देखिए जोशीना चिनाम्पा जो है किस गेम से एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर जो राइट आंसर है वो स्क्वास जो है। ये जो जोशीना चिनाम्पा है वो अभी हाल में ही एशियन स्क्वास चैम्पियनशिप हुआ था, तो जो चेन्नई में हुआ था, तो वो उसकी विनर रह चुकी हैं और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने एशिया स्क्वास टाइटल जीता है वुमेंस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ये पूछ देगा कि जोशीना चिनाम्पा जो है किस गेम से एसोसिएटेड है, तो ये स्क्वास का एक गेम होता है, उस गेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, फर्स्ट इंडियन हु वन गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। हाल में ही अभी एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हुआ है और इसमें जो इंडिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम क्या है, तो देखिए उनका जो नाम है वो है बजरंग पुनिया जो है पहले इंडियन है। देखिए ये ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि पहले इंडियन जितने भी खिलाड़ी हैं उनका नाम जरूर किसी ना किसी एग्जाम में आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो सुधीर कप है वो किस गेम से एसोसिएटेड है। देखिए जो सुधीर कप है वो बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, आजकल बैडमिंटन काफ़ी प्रचलित गेम चल रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे जो सुधीर कप है वो बैडमिंटन से एसोसिएटेड है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेनिस के बारे में बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो टेनिस का गेम है वो जनरली चार इवेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया। तो यहाँ पे जो मेन सिंगल्स के प्लेयर हैं, विनर हैं 2017 में, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के और विंबलडन ओपन जो अभी हुआ है उसके जो विनर हैं वो रॉजर फेडरर हैं। और रॉजर फेडरर जो है ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड की कैपिटल भी कभी कभी पूछ दी जाती है, तो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो आपका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो कैपिटल है शायद बर्न है, हाँ बर्न है, और इसमें जो करेंसी यूज़ होती है वो स्विस फ्रैंक की यूज़ होती है। और यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन जो है ये रफा नडल ने जीता है 2017 में। तो ये भी यहाँ से टेनिस से भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, टेनिस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि फ्रेंच ओपन मेंस डबल विनर कौन रह चुके हैं। तो इसमें इंडियन के खिलाड़ी जो है रोहन बोपन्ना और जो कनाडा खिलाड़ी हैं देवरोवस्की, ये जो हैं वुमेंस ओपन मेंस डबल विनर रह चुकी हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हाल में ही किया गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ गिवन टू द चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इंडियाज़ ओनली इवेंट इन 80 वर्ल्ड कप। जो चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता था उसका क्या नया नाम रख दिया गया है इंडियन तो उसका जो नया नाम रखा गया है वो महाराष्ट्र ओपन है, और जो महाराष्ट्र ओपन होगा वो पहले चेन्नई में होता था तो अब जो है ये पुणे में होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट है उसका क्या नया नाम रखा गया है, तो उसका जो नया नाम है वो महाराष्ट्र ओपन है। फ्रेंड्स, ये थी जनवरी 2017 से लेके अक्टूबर 2017 के स्पोर्ट्स करंट इवेंट। इसमें मैंने आपको जितने भी इवेंट बताए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, और इससे 100% है कि आपको दो या क्या तीन क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, वहाँ से हम आपको रिप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको करंट इवेंट जो है जनवरी 2017 और अक्टूबर 2017 के अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट के बारे में बनाऊंगा। सो आप हमारे उस चैनल को देखिए, उस वीडियो को देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।